क्या आप कभी दबंग के पुलिस वाले चुलबुल पांडे के रोल में सलमान खान के अलावा किसी को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं ना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के मेकर अरबाज खान ने तो कुछ ऐसा ही सोचा था। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। दबंग सीरीज के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने खुद इस बात का खुलासा किया है। अरबाज खान ने कहा कि जब अभिनव ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि उन्होंने मुझे लीड एक्टर का ऑफर क्यों नहीं दिया। अभिनव जिस वक्त फिल्म को बनाने की सोच रहे थे, उस वक्त उनके माइंड में रणदीप हुड्डा या इरफान खान को चुलबुल पांडे के किरदार में कास्ट करना था, लेकिन दोनों में से कोई भी फाइनल नहीं हुआ। इसके बाद मुझे फिल्म को प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया गया और कहा गया कि मैं एक बार फिर सलमान खान से बात करूं कि क्या वो पांडे जी का किरदार निभाएंगे। अभिनव अपनी कहानी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और हमने तुरंत ही फिल्म पर काम शुरू कर दिया। बॉलीवुड में ऐसा कई बार होता है कि फिल्म किसी दूसरे एक्टर को ध्यान में रखकर लिखी जाती है और उसमें कास्ट कोई दूसरा कलाकार हो जाता है। यहाँ तक कि सलमान खान के जो पिता हैं सलीम खान की जंजीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सलीम खान की जंजीर में राजकुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर जैसे कलाकारों को कास्ट करने के लिए स्टोरी लिखी गई थी, लेकिन आखिर में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया गया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। खैर, इस स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अपडेट के लिए देखिए हमारे चैनल को।